एक्साइज में नंबर प्लेटों की मत में मुबैना करप्शन का मामला है। एंटी करप्शन टीम डीजी एक्साइज के दफ्तर पहुंच गई। एडिशनल डीजी एक्साइज और डीजी एक्साइज पंजाब से रिकॉर्ड तलब किया गया है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैशान मलिक से। जी जैशान। हाँ जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन की जानेब से आज एक टीम गई है डीजी एक्साइज से दफ्तर, जहाँ पे डीजी एक्साइज पंजाब अक्रम अशरफ गोंदल और एडिशनल डीजी चौधरी मसूदुल हक से रिकॉर्ड तलब किया गया है नंबर प्लेटों के हवाले से कि किस कंपनी को ठेका दिया गया था। बताया के मुताबिक इनबॉक्स कंपनी थी जिसको महकमा एक्साइज ने ठेका दिया था साबिक गवर्नमेंट के दौर में, और ये इतला मौसूल हो रही है कि ये जो कंपनी थी इनबॉक्स, ये साबिक वजीर खजाना इसहाकदार के बेटे की है, और इसमें 6 अरब की हुई करप्शन की गई है जिसके हवाले से रिकॉर्ड आए इन अफसरान से तलब किया गया है। और एंटी करप्शन के जरा यही बता रहे हैं कि अफसरान का कहना है कि 1 से 2 रोज में आपको रिकॉर्ड फराम कर दिया जाएगा। तमाम महकमा एंटी करप्शन तहकीकत का आगाज कर रहा है कि नंबर प्लेटों की मद में कुछ 6 अरब की करप्शन की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जैशान मलिक।